राजधानी की माणक चौक पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने माणक चौक इलाके स्थित एक ठेके से शराब की 57 पेटियां जब्त की और इन पेटियों से विभिन्न ब्रांड के 2723 पवे भी जब्त किए गए। दरअसल मुखबिर से सूचना बरामद हुई और पुलिस ने हरिओम मिष्ठान के पास एक ठेके पर दबिश दी, जो कि बहुत पहले बंद किया जा चुका है। बावजूद इसके ठेके का सेल्समैन अभी भी शराब बेचता था और शराब किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि पुलिस रेड से पहले ही आरोपी भागने में कामयाब हो पाया और पुलिस ने आरोपी को नामजद कर लिया और उसकी तलाश भी शुरू कर दी। सूचना मिली थी कि हमें चांदी के टकसाल के पास में काफ़ी भारी मात्रा में शराब वहां से हटा के कहीं और शिफ्ट की जा रही है। इस सूचना पर थानाधिकारी मानक चौक जितेंद्र सिंह और उनके सहयोगी द्वारा वहां पे जाब्ता भिजवाया गया और 57 पेटी शराब, जो कि इस्माइल नाम का व्यक्ति है, वो पुराना ठेकेदार था और जो उसका पुराना स्टॉक था उसको कहीं शिफ्ट कर रहा था। कुछ दिन से ये भी खबर मिली थी कि वो वहाँ से कुछ शराब बेच भी रहा है, तो इस पर वो कार्रवाई की गई। 57 पेटी करीब 2500 के आसपास बोटल्स जब्त की गई हैं और चूंकि अभी चुनाव के मद्देनज़र भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और पूर्व में भी कई एक्साइज एक्ट में